अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अरीश, डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल। यहाँ हमारे मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉज फीमेल्स हैं। वी ट्राई टू एम्पावर आर फीमेल एम्प्लॉज एट ऑल लेवल्स। वी प्रोवाइड सच फैसिलिटीज दैट दे आर एबल टू बैलेंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। हमारे पास यहाँ डे केयर सेंटर है, वी प्रोवाइड ट्रांसफर टू आर फीमेल एम्प्लॉज फ्रॉम होम टू वर्क, एंड कम्फर्टेबल हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं। वी इंश्योर अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल आवर एम्प्लॉईज। औरत खुदा की नियमतों में से एक बहुत बड़ी नियमत है। औरत इस दुनिया की बहुत खूबसूरत तख्लीक है। औरत एक आसमानी तोहफा है। औरत इस दुनिया में बहुत से रिश्तों से मुंसलिक है। जैसे कि देखा जाए कि मैं एक बेटी हूँ तो रहमत हूँ, बहन हूँ तो एक दुआ हूँ, माँ हूँ तो एक जन्नत हूँ, दोस्त हूँ तो एक रास्तार हूँ, मैं रहमत बेमिसाल हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। We women here are engineers, doctors, surgeons, and we are working as effective as men here. So that's the point. We are empowered and we are blessed here, and we are working equally effective. If you make a woman study and give her education, you're not only giving that woman education, you're giving whole nation the education. Her children would be well educated, her family would be educated, and her role would be more enhanced as a woman. जिस तरह से आज मैं काम कर रही हूँ, इस तरह से बाकी ख्वातीन भी आके एक अपने माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मेरे अगर मैं घर जाके बैठ जाऊँ तो कितने मरीज़ हैं जो इफ़ेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं इस अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से जब यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो अगर हम सब जगहों पर हर इदारे में इस किस्म की चीज़ दें लोगों को, तो क्यों नहीं हमारी ख्वातीन आएंगी। हमारी ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, उनमें सब टैलेंट है, और हमारी ख्वातीन कर भी रही हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि ख्वातीन के इस रोल को समझें, और जिस तरह से यहाँ पे हमें इज्जत दी जाती है, जिस तरह से जहाँ हमें तहफ़ मिलता है, यही चीज़ें औरतों को दें, और औरतें आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और इस वजह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हम वेस्ट की तरफ नहीं देखेंगे, पाकिस्तान भी चंद सालों की बात है, इंशाल्लाह एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता। एक औरत क्या है? एक औरत वो काम करती है जो एक आम बंदा नहीं कर सकता। एक मर्द 8 घंटे की ड्यूटी करता है, दिन में अपना काम करता है, उसी तरह औरत अपना काम करती है, घर जाती है, अपने घर को संभालती है, और घर और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके दरमियान बैलेंस मेंटेन करती है। इसलिए अकबर नियाजी टीचिंग हस्पताल में भी हमें मौके दिए जाते हैं कि हम लोग मर्द और औरत इकट्ठे एक जगह पर एक जैसा काम करके अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हु वाज़ द फर्स्ट वुमन हु वाज़ डूइंग द बिजनेस एट दैट टाइम, एंड वी हैव एग्जाम्पल ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हु टेक पार्ट इन द बैटल्स एज वेल। इफ यू लुक एट पाकिस्तान हिस्ट्री, वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ फातिमा जना, that what was her role in the independence of Pakistan, and she was the right hand of the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So women are not less than any man, or we can say they can take part in every stream of life.